अवैध हथियारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जोधपुर पुलिस लगातार तत्पर है और अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध हथियार लेकर बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो अवैध हथियार सहित इन आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, जिस पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने से अलग अलग टीमें गठित की गई और बताए गए हुलिये के आधार पर अलग अलग जगह नाकेबंदी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भानु प्रताप के कब्जे से बिना लाइसेंस की देसी पिस्टल बरामद की और एक गाड़ी को भी जब्त किया गया। वहीं पर आरोपी पुखराज के कब्जे से 3 जिंदा कारतूस बरामद की गई और साथ ही साथ एक गाड़ी को भी जब्त किया गया, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। अगस्त के दौरान को इतना मिली कि अभी कोई हथियार और काफी मात्रा में मिल सकते हैं, उसके दौरान हमने डीपीएस के पास और हे राम प्रॉपर्टी के पास दबिश दी गई मैं टीम के, तो वहाँ हथियार और कारतूस बरामद किए गए। उसमें दो मुलजिमों के भानु प्रकाश और श्री महादेव चौधरी उर्फ पुखराज को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, भानु प्रताप देवासी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, अपहरण, जानलेवा हमला, मारपीट और SC ST एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं पर आरोपी पुखराज के खिलाफ आर्म्स एक्ट, मारपीट, जानलेवा हमले के मामले दर्ज हैं। दोनों ही आरोपी पुलिस थाना बनाड़ में वांछित हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और दोनों पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इन दोनों आरोपियों के तार कहां से जुड़े हुए हैं। पंजाब की CCTV के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।